दर्शकों नमस्कार, आप सबको दिव्या चैनल की ओर से नवरात्र के सप्तम दिवस भगवती कालरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आइए, आप सब जानते ही हैं कि भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रयास, उपासना, पूजा करने का प्रयास करता है। तो आइए, पिछले 6 दिनों से हम आपको जिस विधि के माध्यम से आपको हम पूजा बता रहे हैं, आइए आज भी हम प्रारंभ करें। हरि ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम हम पवित्र हो जाएं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम हरिः पुनातु, विष्णुः पुनातु। ओम। आसन शुद्ध कर लें और आचमन करें। हरि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः। यदि आपने तिलक नहीं धारण किया है तो आप तिलक धारण कर लें और अपने शिखा को बांध लें। हरि ओम। हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणपति जी को मन में प्रणाम करते हुए और भगवती के चरणों में पुनः प्रणाम करें। हरि ओम। भगवते श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम अंबिकायै नमः। ओम ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम। अब आप ध्यान रखेंगे कि भगवती का स्मरण करें और ये ध्यान करें कि हे भगवती, आप कालरात्रि के रूप में हैं। भगवती कालरात्रि का अर्थ है समस्त दुख, दोष, शोक, मोह, भय, अज्ञान आदि को दूर करने वाली भगवती कालरात्रि के रूप में जानी जाती हैं। ऐसे भगवती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ओम भगवते नमः। इसके बाद आपके घर में, मंदिर में भगवती का ये दिव्य स्वरूप विराजमान होगा। आप चरण धुलाने की भावना, हाथ धुलाने की भावना, आचमन की भावना और साथ में भगवान वरुण देव जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश के स्वामी हैं, ऐसे भगवान वरुण देव को भी पाद्य अर्घ्य, आचमन, स्नान आदि के माध्यम से और पूजन करेंगे। स्नान की विधि यह है कि आप शुद्ध जल पंचामृत स्नान के द्वारा आप स्नान कराएं। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। आपने भगवती को वस्त्र धारण कराया है। वस्त्रम वस्त्रोपवस्त्रम चंदनंच। ओम त्वां गंधर्वा अघनोस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान अक्षमादमुच्यत। अत अक्षतान समर्पयामि। ओम भगवते नमः। अक्षतान समर्पयामि। अपतये वरुणाय नमः। पुष्पाणि पुष्पमाला। भगवान वरुण देव को भी पुष्पमाला पहनाएं और किंचित धूप और दीप के माध्यम से भगवती की अर्चना करें। अंतिम में नैवेद्य भगवती को जो अर्पित है स्वीकार करें। प्रभु भगवते नमः। अपतये वरुणाय नमः। ओम पुनः आचमन कराते हुए अपतये वरुणाय नमः। अखंड फलानि समर्पयामि। ओम अन्ते नमस्करोमि। भक्तों, आपने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार भगवती की पूजा की। अब हाथ में जल, अक्षत और पुष्प दूर्वा लेकर आप संकल्प करेंगे, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करें। वत्स गोत्रोत्पन्नोऽहं स्वामी प्रसाद मिश्र शर्माहम। ओम शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत माध्यान्दिनी शाखाध्यायिनोऽहम्। अहम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ते भगवती कालरात्रि देव्याः कृपा प्रसादात् सकल परिवारस्य दीर्घायुः आरोग्यता धन धान्य शक्ति भक्ति आत्मकल्याण
समाज सेवा संसिद्धे भगवत्याः दुर्गादेव्याः कृपा प्राप्ते अद्य होम कर्म अहम संपादयिष्ये। आपने हवन का संकल्प किया है, अब आप अग्नि कुंड में इस हवन कुंड के बीच में समिधा का स्थापन करेंगे। हमारे शास्त्र में कुशकंडिका की विधि बताई गई है, लेकिन वह आप सबसे संभव ना हो पाने के कारण आप समिधा का आधान करें। हम स्वयं तिलक लगाएंगे, चंदनम समर्पयामि भगवते वैश्वानराय नमः, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि, भगवते वैश्वानराय नमः, जातवेदसे नमः, हुतासनाय नमः। ओम। आचमन कराते हुए अखंड ऋतुफल भगवान को अर्पित करें और अंत में तांबूल पत्र के साथ प्रणाम करते हुए वैश्वानराय नमः ओम। अब आप आहुति प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को आहुति। ओम गणानांत्वा गणपति गुंग हवामहे, प्रियाणांत्वा प्रियपति गुंग हवामहे, निधीनांत्वा निधिपति गुंग हवामहे, वसो मम अहम जानि गर्भधमा तम जासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये स्वाहा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानेति कश्चन सशत्यश्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं मां अम्बिकायै स्वाहा स्वाहा। ये दूसरी आहुति हमने भगवती अंबिका जी को दी है, दुर्गा जी को। तीसरी आहुति भगवान ब्रह्मा को। ओम ब्रह्म जिज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः सुरुचो वेन आवा सबुदनिया उपमास्य विष्ठाः सदस्य योनिम सदस्य विवाह। ओम ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्वीचक्रमे त्रेधानि ददे पदम समूढमस्य पाकुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा स्वाहा। भगवान शिव जी को आहुति प्रदान करें। ओम नमः शंभवाय चमयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च भगवते सांब सदाशिवाय स्वाहा। ओम भगवान वरुण देव, जिनका पूजन हम प्रथम दिवस से करते आ रहे हैं, ऐसे भगवान वरुण देव को। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः, अहेडमानो वरुणे बोध्यर्षभुं समान आयु प्रमोखी, अपदे वरुणाय स्वाहा। भगवती महालक्ष्मी जी को आहुति प्रदान करें। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे वार्ष्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम्मा इष्णन्विखाणा मुम्मयिकाणा सर्वलोकम्मयिकाणा। ओम महालक्ष्मी स्वाहा स्वाहा। शांति तुष्टि पुष्टि आयु अविघ्नमस्तु। भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इन तीन स्वरूपों को आहुति प्रदान करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम महाकाली स्वाहा स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्मी स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम महासरस्वती स्वाहा स्वाहा। निवारण मंत्र के द्वारा भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा स्वाहा। भक्तों, आज की पूजा में जो कल की अधिष्ठात्री देवी भगवती महाकालरात्रि जी हैं, उनका नाम लेकर के आप नाम मंत्र से आहुति प्रदान करें। बहुत सामान्य सा उच्चारण होगा आपके लिए और आपकी पूजा विधि भी पूर्ण होगी। ओम कालरात्रि स्वाहा स्वाहा। ओम कालरात्रि स्वाहा स्वाहा। ओम कालरात्रि स्वाहा स्वाहा। ओम कालरात्रि स्वाहा स्वाहा।
ओम काल रात्रि स्वाहा स्वाहा, 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 ओम काल रात्रि स्वाहा स्वाहा। आप राम जी को आहुति प्रदान कर दें। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीता रामचंद्र परब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा। श्री सीता रामचंद्र परब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा। आप सपरिवार भगवान राम जी को भी प्रणाम कर सकते हैं। लक्ष्मण उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न सहिताय श्री सीता रामचंद्र पर ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा। ऐसे ही भगवती के विविध रूपों का आहुति देते हुए अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, मान लीजिए आपकी कुल देवी भगवती बाला सुंदरी हैं, आपकी कुल देवी माता बनभौरी देवी हैं, तो आपको भी आहुति प्रदान कर सकते हैं माँ के आहुति के साथ साथ, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो आइए आपने बड़े भाव से भगवती कात्यायनी देवी को आहुति प्रदान की और अंतिम में हम भगवान अग्निदेव को आहुति जरूर प्रदान करेंगे। यह आहुति केवल घृत की होगी। ओम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा स्वाहा। दर्शकों, इस बात को आप एकदम मत भूलें, यदि आपके घर में आपके भाई बंधु, यदि आपके और भी कोई रिश्तेदार यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो पवित्र मन से, पवित्र शरीर से, पवित्र भाव से आपके साथ आएं, घर में चारों दिशाओं में बैठें। और ये जो दिव्य सामग्री, जो तिल, चावल, जौ, शक्कर के साथ, पंचमेवा के साथ निर्मित है, सभी अपने अपने आगे ले लें। और आहुति के लिए ध्यान रखना है कि हमें इन मुद्रा में आहुति देना, इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। अगर इस मुद्रा को हम ऐसे हाथ सारे जोड़ लेते हैं तो इस मुद्रा का नाम हो जाता है शूकरी मुद्रा, यह अशुभ होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि हमें हवन करते समय मृगी मुद्रा का प्रयोग करना, और हाथ जब हम आहुति अग्नि देवता को दें तो अपने हाथ को सीधा रखें। ओम दुर्गा देवी स्वाहा स्वाहा। इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप चाहें तो दूसरे हाथ के अपने मुद्रा को इस रूप में कर दें, अंगुष्ठ और तर्जनी को एक में मिला सकते हैं, अपने कमर को सीधी रखें, मन में वह स्वरूप आपके बना रहे जिस स्वरूप को आप आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो आपने भगवान अग्नि देवता को आहुति प्रदान की जिसमें भगवती की कृपा हम सबको प्राप्त हो। दर्शकों, इसके बाद अब हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ेंगे, अग्रसरित होंगे। जैसा कि ये पूंगी फल है और इसको हमने सीधे थोड़ा सा घी लगाया है, हाथ में लिया है, और जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं सभी अपने हाथ में सामग्री ले लें। पूर्णाहुति का मंत्र है, यदि आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पूर्णाहुति स्वाहा कह करके इसको अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। फिर भी आइए हमारे साथ आप ओम पूर्णाद्रव्य परापतस्व पूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणा वह इखमूर्जगुंशतक्रतो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वं वै पूर्ण गुं स्वाहा स्वाहा। आपने आहुति प्रदान की, अग्नि देवता को धन्यवाद दें। हे अग्नि देवता, आपके माध्यम से आज की, कल की अधिष्ठात्री देवी भगवती कालरात्रि को आपने आहुति पहुंचाई।
इसके बाद बड़े भाव के साथ आप अपने घर में भगवती की आरती करें, अग्नि देवता की आरती करें। आरती में आप अपने रुचि के अनुसार मंत्र पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवती को श्लोक आपको याद है, आप श्लोक के माध्यम से, यदि आप बड़ी आरती करना चाहते हैं तो बड़ी आरती जो भी आप गाते हों, चाहे जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, अथवा अन्य कोई भी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली आदि, किसी भी मंत्र से आप आहुति कर सकते हैं भक्तों। इसके बाद आरती के बाद सभी भक्तजन उस आरती को प्रणाम करें और हाथ धोकर के हाथ में पुष्प लें और पुनः पुष्पांजलि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजं तथेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ वैश्वानराय विद्महे सप्तजिह्वाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवते वैश्वानराय नमः। भगवते जगज्जनन्ने नमः। ओम। ये क्रम आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जब हम पूर्णाहुति करेंगे, पूर्णाहुति के बाद हमें पुनः आरती करनी है, आरती के बाद हाथ धोना है, हाथ धोने के बाद फिर पुष्पांजलि अर्पित करनी है। आप एक पुष्प अग्निदेवता को भी अर्पित करें और भगवती के चरणों में भी आप पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एक बार परिक्रमा है। आप यदि चाहते हैं कि हमें अधिक बार करना है तो आप 9 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। 9 देवियों को आप परिक्रमा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 9 बार अब बहुत अधिक है तो आप 3 बार कीजिए। एक परिक्रमा भगवती महाकाली के लिए, एक भगवती महालक्ष्मी के लिए और एक भगवती महासरस्वती के लिए, ऐसे 3 परिक्रमा भी आप अग्निदेव के साथ कर सकते हैं, अथवा स्थान के अभाव में आप अपने हाथ से परिक्रमा कर सकते हैं। यानि गानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। भगवते वैश्वानराय नमः। ये जो हमने 3 परिक्रमा की है, ये भगवती महाकाली, एक भगवती महालक्ष्मी और एक परिक्रमा भगवती महासरस्वती के लिए की है। इसके बाद आप अग्नि देवता से त्रयायुख स्वीकार करेंगे और स्वयं अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं सबको आप त्रयायुख लगाएंगे, आप स्वयं भी लगाएं और अंतिम में बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ अपने मस्तक को नवाकर, सिर झुकाकर अग्नि देवता को प्रणाम, भगवती के चरणों में प्रणाम करें। दर्शकों, यह विधि आपके संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। इस प्रकार से यथाशक्ति भगवती की आराधना आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सहित आज इस नवरात्र के परम अवसर पर भगवती कालरात्रि की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय माता दी।